तो ये तो दोस्तों एक्सपेक्टेड ही था, ऐसा तो होना ही था। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जेलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि भाई रजनीकांत सर का नाम जुड़ा है तो भाई कोई छोटी बात नहीं है। इनका दोस्तों नाम ही काफ़ी है किसी मूवी को सुपरहिट बनाने के लिए। फाइनली इनकी जेलर मूवी दोस्तों आज रिलीज हो चुकी है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये चीज़ आ ही रही होंगी कि भाई डे वन का कलेक्शन क्या होगा, क्योंकि भाई रजनीकांत सर तो कोई छोटा मोटा कलेक्शन तो नहीं होने वाला। तो इस वीडियो में हम इसकी कलेक्शन रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ न्यूज़ निकल कर आई है, क्योंकि मूवी को रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले और मूवी का रिव्यू भी मैंने कर रखा है भाई चैनल में, चेकआउट कर लेना। तो जानने के लिए भाई क्या कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन का होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी में दोस्तों सारी चीज़ें देखने को मिलती है, एक्शन देख लो भाई चाहे क्या कुछ नहीं, कॉमेडी देख लो, सारी चीज़ें, डायलॉग्स भी नेक्स्ट लेवल है और भाई अनिरुद्ध का म्यूजिक तो है ही गूज बम्प्स देने के लिए। बात करें इसके टोटल बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का जो बजट है वो टोटल बजट बताया गया है कि 200 करोड़ है। तो हाँ दोस्तों 200 करोड़ का बजट मूवी में नज़र आता है और वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब लगता है। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी कमी नहीं लगने वाली कि भाई बजट कम है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दोस्तों फिर इतना बड़ा मतलब जंप कैसे लेंगे फोन मूवी, क्योंकि दोस्तों 200 करोड़ का जब बजट होता है जब तक मूवी ये क्रॉस नहीं करेंगी तब तक वो सुपरहिट नहीं कहला सकती। तो ऐसे में दोस्तों एक फिल्म के ऊपर ही दोस्तों काइंड ऑफ एक प्रेशर जैसा होता है, बड़े बजट की मूवी है तो क्या हुआ। बात करें दोस्तों इसके कलेक्शन के बारे में, तो डे वन के कलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सुपर निकल कर आई है। कई सारी दोस्तों न्यूज़ मैंने निकाल ली जहाँ पर आर्टिकल्स में यही दिखाया गया है कि इसके जो डे वन के कलेक्शन होने वाला है वो लगभग 50 करोड़ का होने वाला है। बहुत सारी रिपोर्ट्स दोस्तों यही बोल रही है कि 50 करोड़ का इसका डे वन का कलेक्शन होने वाला है सारी ही लैंग्वेज को मिलाकर। ये रिपोर्ट सिर्फ इंडिया का कलेक्शन है, अगर ये फॉरेन कंट्रीज में रिलीज हुई है तो इसका कलेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है ओवरऑल कलेक्शन। लेकिन दोस्तों इसका जो टोटल कलेक्शन है डे वन का वो 50 करोड़ का होने वाला है इंडिया का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और एक कलेक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा सुपर है, नेक्स्ट लेवल है, मतलब दोस्तों फिल्म का जो आधा एक 1/4 बजट है ये इसी से निकलने वाला है। वैसे दोस्तों बजट की बात क्या है, दोस्तों OTT पर ही मूवी इतना ज़्यादा कमा लेती है तो इनको उस सारी चीज़ों की फ़र्क नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी मूवी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा सुपर निकला है। क्या सोचते हो दोस्तों इस जेलर मूवी के बारे में, अगर आप देखने के बारे में सोच रहे हो या फिर कलेक्शन की लेकर क्या कुछ राय है आपका, कलेक्शन को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगे लाइक कर दो, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।